नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूँ प्रियंका। गर्मी का मौसम आ चुका है और अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन ऐसी गर्मी, ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है कि जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ ठंडा पीने को कहीं ना कहीं जा जरूर रहे हैं। हम आपको लस्सी की दुकानें, घड़ों की दुकानें और ना जाने कितनी सारी दुकानों को तो दिखा ही रहे, लेकिन आज मैं आपको लेकर आई हूँ गन्ने की रस की दुकान में। देख रहे हैं आप किस तरह से गन्ना का जो रस, इसको बोला जाता है कि गन्ना का रस निकाला जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसी प्रोसेस के तहत जो है गन्ना का रस निकाला जाता है, और कई जो ग्राहक हैं यहाँ पर आते हैं गन्ना का रस पीने के लिए। और इससे स्वादिष्ट मुझे लगता है जूस कोई नहीं होता, क्योंकि जब भी आप कोई भी जूस पीते हैं, कोई आर्टिफिशियल जूस पीते हैं, तो उसमें तो वैसा टेस्ट नहीं आता जो कि एकदम आपको ताज़ा ताज़ा गन्ने के रस में मिलेगा, एकदम ताज़ा ताज़ा निकले हुए गन्ने के रस में। उस ऊपर से उसमें कुछ कुछ चीज़ें, नींबू डाल दी जाती है, मसाले डाल दिए जाते हैं, तो और उसका स्वाद जो है डबल हो जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो गन्ना बना रहे हैं वो मौजूद है, इनसे हम जानते हैं किस तरह की बिक्री चल रही है। बाबा अभी ठीक है अच्छा बिक्री। 2 साल जो कोरोना काल था उसके बाद अब का बिक्री कितना अंतर पड़ा है? अंतर पड़ गया आधा आधी हो गया। लोग आ रहे हैं पीने गन्ना का रस? हाँ, अभी पीने आ रहे हैं। क्या रेट चल रहा है अभी गन्ना का रस का? 20 का है। 20 का? 20 का फुल ग्लास? हाफ ग्लास कितने का पड़ा? अगर आप गन्ना का रस पीना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आपको सिर्फ 10 रुपये में जो है आधा ग्लास जो है गन्ना का रस पीने मिल जाएगा, और 20 रुपये में आपको फुल ग्लास जो है गन्ना का रस पीने मिल जाएगा। और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि आप आते होंगे और पीते होंगे, इसे समझ में आ ही जाता होगा आपको। किस तरह की ग्राहकों की संख्या रह रही है? क्या बच्चे ज़्यादा आते हैं या बुज़ुर्ग ज़्यादा आते हैं? बच्चा बुज़ुर्ग दोनों आते हैं। दोनों आता है। लगभग एक दिन में कितने ग्लास बिक जाते होंगे गन्ना का जूस? अभी बिक्री इतना नहीं है, लेकिन ठीक है, कम से कम 70-80 गिलास 100 गिलास। गर्मी का महीना है तो लाजमी है कि इतने जो 70-80 गिलास जो है गन्ने का रस का बिकना ही चाहिए। हमारे साथ एक ग्राहक भी है जो कि एक युवा है। आप गन्ना का रस पीने आए हैं, क्यों पीते हैं गन्ना का रस? गर्मी में ये जरूरी है, इसके अलावा दूसरा कुछ पीने से अच्छा इसको पी लेते हैं तो मन भी ताज़ा रहता है, सब कुछ भी अच्छा रहता है। अच्छा, आप एक युवा है, कहा जाता है कि कई बाजार में आर्टिफिशियल जूस भी मिलती है, कई पैक्ड जूस भी मिलती है, इसे क्यों प्रीफर करते हैं? ये ओरिजिनल रहता है, इसमें स्वादिष्ट ज़्यादा रहता है। वो लोग कितना दिन का रहता है उसका कोई गारंटी नहीं रहता है, ये ओरिजिनल अच्छा स्वाद भी इसमें अच्छा रहता है, इसमें नींबू सब कुछ मिला के देते हैं तो और स्वाद बढ़ जाता है। क्या रेट आपको ज़्यादा लगता है 10 रुपये में जब देते हैं? इससे कम में देंगे तो बचेगा क्या? फिर लोग अभी तो बचना ज़रूरी है ना। सुना आपने कि एक युवा है, और कितनी सही और सटीक बात इन्होंने कह दी कि अगर इतना भी नहीं लेंगे तो इनका बचेगा क्या। तो मैं आपको बताऊं कि जो ऐसे ऐसे जूस सेंटर्स पे आप जाते हैं, छोटे छोटे जो ठेला लगाकर जूस दिया करते हैं, उनसे तोल मतलब बार्गेनिंग करना सही नहीं रहता है, क्योंकि जो दाम लगाते हैं वो वाजिब दाम होता है, और आपको उसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी एकदम बेस्ट क्वालिटी का होता है। क्योंकि मैं बताऊँ कि ताज़ा ताज़ा जूस से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है अभी गर्मी के मौसम में। चाहे ताज़ा ताज़ा आप जूस पी लें गन्ना का, चाहे किसी भी और फल का जूस पी लें, चाहे फिर आप लस्सी पी लें, ऐसी ताज़ी चीज़ों का जो ज़माना है वो सिर्फ गर्मी के मौसम में ही आता है, और अभी ही जो है ये ज़्यादा बिक्री होती है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार इनके पास ग्राहक आ रहे हैं और ये गन्ने का जूस बेच रहे हैं, और इसी तरह से हर जो फ्रूट स्टॉल है, चाहे फिर ईंक का स्टॉल है, कहीं भी जहाँ पे जूस मिलता है, चाहे फल मिलते हैं, चाहे कुछ भी ठंडी की ठंडी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर इसी तरह की बिक्री देखने मिल रही है। क्योंकि जो तापमान धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है, और जो है लोगों को हाइड्रेशन चाहिए होता है, हाइड्रेटेड रहने के लिए इसे पिया करते हैं, और आप भी आए जरूर गन्ने का रस का आनंद उठाएं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।